तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रहा हूँ गोवर्धन, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर है। और ये गोवर्धन के जाते हुए बीच में एक जंगल है जहाँ से रास्ता जा रहा है। मेन रोड से हम गए नहीं, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, वो गाड़ी अंदर नहीं जाने दे रहे थे, इस वजह से हम इस रास्ते जा रहे हैं। रास्ता भी बड़ा खूबसूरत था, चलिए आगे चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ गोवर्धन और हम यहाँ की परिक्रमा लगाएंगे जो कि 21 किलोमीटर की है। यहाँ से हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस, हम आ चुके हैं श्री मानसी गंगा, जो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के बीच में पड़ती है। यहाँ गोवर्धन जी की एक मूर्ति स्थित है और यहाँ पे एक गंगा है जिसका नाम मानसी गंगा है। उसे मान्यता है कि वो कृष्ण जी ने प्रकट की थी। आप देख सकते हैं ये मानसी गंगा है, तो श्री कृष्ण जी ने प्रकट की थी। ये बहुत बड़ी है, यहाँ से मैं आपको कोई दिखा नहीं सकता, बहुत दूर तक फैली हुई है। और इसकी मानसी गंगा का मंदिर है, बुखार के मंदिर कहा जाता है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। इसे औरंगजेब ने भी तोड़वाने की कोशिश करी थी बट उनसे टूटा नहीं। इसकी भी मंदिर की बहुत मान्यता है। गोवर्धन में मानसी गंगा के से थोड़ी दूर पर स्थित है ये श्री ठाकुर हरिदेव जी का मंदिर है। ये देख सकते हैं आप कितना पुराना है मंदिर ये। अब हम आ चुके हैं श्री दान घाटी मंदिर, ये गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के बीच में पड़ता है। यहाँ से गोवर्धन जी की श्री बड़ी परिक्रमा स्टार्ट होती है। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरह करती है, बहुत अच्छा तरीके से मंदिर सजा हुआ है श्री गोवर्धन जी का। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गोवर्धन पर्वत है, ये पूरे 21 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यही ये पर्वत है जो श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक अपनी कंक की उंगली पर उठा कर रखा था। ये बहुत ज़्यादा विशाल है, कितनी मस्त दूर है। श्री गिरिराज जी का मंदिर परिक्रमा मार्ग पड़ता है, फूल बंगला सजा हुआ है। सामने गिरिराज भगवान विराजमान है, यहाँ लोग मस्ती में नाच झूम रहे हैं, आप देख सकते हैं। लोग देख सकते हैं श्री लुकलोक दाऊ जी का मंदिर है जो परिक्रमा मार्ग के बीच में पड़ता है। यहाँ पे इसके पास में ही श्री कृष्ण जी के पैर के चिन्ह हैं और श्री राधा रानी की सिंदूर सिरा है जिससे राधा रानी अपना सिंदूर निकाला करती थी, और इस पर जो इंद्र ने वर्षा करी थी उसकी बूंदों के निशाने भी हैं। और इस पर गोवर्धन पर्वत पर सिर्फ ब्रजवासी चढ़ सकते हैं, बाकी कहते हैं कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति चढ़ता है तो उसे पाप लगता है, तो हम इस पर चढ़ेंगे नहीं, आपको बाहर से दिखा सकते हैं। अब हम राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये श्री गोवर्धन पर्वत दो स्टेटों के बीच में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अब यहाँ से राजस्थान की सीमा प्रारंभ है। ये श्री गोवर्धन महाराज की पूंछ है, इस जगह को पुछड़ी का लौटा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे श्री गोवर्धन जी का लाइक एक तरह का समाप्ति होती है और ये जगह राजस्थान के एरिया में पड़ती है। यहाँ से हमें मुड़ना होता है, यहाँ सामने श्रीनाथ जी का मंदिर है, हम इसके अंदर जाएंगे अभी। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा गोवर्धन पर्वत है। तो आप देख सकते हैं श्री गिरिराज इंद्रमान भंग इंद्र पूजा मुखारविन, ये वही मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण ने और ब्रजवासियों ने मिलकर इंद्र की पूजा भंग करके श्री गोवर्धन भरवाज की गोवर्धन महाराज की पूजा की थी। ये देखिए आप, अंदर मंदिर है, ये पूरा व्यू है। कड़न परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा कर रहे हैं, ये रहे मेरे साथ हैं दोस्तों, दर्शन कर रहे हैं श्री जटीपुरा से गिरिराज भगवान की। यहाँ इतनी सुंदर ये कला करती हैं जिसमें श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। ये श्री गिरिराज भगवान है, यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है, यहाँ बहुत भीड़ रहती है। ये परिक्रमा मार्ग नहीं पड़ता है और हमारी परिक्रमा भी आप थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी। तो आप सब अब दर्शन कर रहे हैं श्री राधा कुंड के, ये गोवर्धन में स्थित है। यहाँ राधा रानी स्नान किया करती थी, जब से इसका नाम राधा कुंड पड़ गया है। इस कुंड की बहुत ज़्यादा मान्यता है, ये कुंड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, देख सकते हैं आप सब। और इसके बाजू में यहाँ पे जाके श्री श्याम कुंड है जहाँ श्री श्याम प्रभु भी स्नान किया करते थे। आप दर्शन कर रहे हैं श्री श्याम कुंड के जहाँ श्याम प्रभु स्नान किया करते थे, जब से इसका नाम श्री श्याम कुंड पड़ गया। और इधर देख रहे हैं आप, इधर राधा कुंड में लोग स्नान कर रहे हैं और यहाँ श्याम कुंड में लोग स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर ही मंदिर स्थित है, यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो चलिए और आपको आगे की तरफ चीज़ें दिखाते हैं। तो जब आप देख सकते हैं हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, ये हमने श्री गोवर्धन पर्वत और श्री राधा कुंड की परिक्रमा करी थी जो कि 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर की बैठती है। हम सुबह 12:45 बजे के लिए निकले थे और अभी हमारी परिक्रमा पूरी हुई है।
इस वक्त वक्त हो रहा है, टाइम हो रहा है, देख लीजिए कितना भी हो रहा है। हमारी दुर्गा माँ कम्प्लीट हो चुकी है, अब हम जाएंगे बरसाने की तरफ, जो कि आपको दिखाएंगे हम। कई सब हम आ चुके हैं बरसाने में, ये बरसाने का नाइट वो है, नीचे पूरा बरसाना है, ये आगे जाके चढ़ाई है, ये हम चढ़ाई कर रहे हैं, आगे जाके श्री राधा रानी का मंदिर है, ये पूरा बरसाने का नाइट वो है, चढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ बिल्कुल एकदम वैष्णो देवी वाली फीलिंग आ रही है। तो आप सब दर्शन कर रहे हैं श्री बरसाना धाम से राधा रानी का। देखिए राधा रानी का महल कितने अच्छे तरीके से सजा हुआ है, यहाँ भक्तजनों की बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ संकीर्तन चल रहा है, और ये पीछे से नज़ारा है श्री राधा रानी के मंदिर का, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो अब आप लोग दर्शन कर रहे हैं श्री कीर्ति मंदिर बरसाना धाम में है, जो ये बहुत ही रात के वक्त में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, दिन के वक्त में तो है ही अति सुंदर ये, और रात के वक्त में तो इसकी सुंदरता चार गुना बढ़ जाती है। ये श्री बरसाना धाम में स्थित है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, जय श्री राधे।